स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेटरन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 31 जनवरी से 6 फरवरी तक के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए जी, तो पहली न्यूज हमारे पास न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को लेकर है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास अभी जो राइट नाउ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं वो कौन बने हैं हमारे पास, आपको पता होना चाहिए। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। हाँ जी, वो बने हैं हमारे पास अनंता नागास्वरन। ठीक है, नागास्वरन ये हमारे पास बने हैं न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। देखो, जैसे हमारे पास देश को रक्षा मामलों में सलाह देने के लिए होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि है अजीत डोवाल। रक्षा के मामलों में, सिक्योरिटी के मामले में देश को सलाह कौन देता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि है अजीत डोवाल। तो उसी तरह से आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA जिनको हम बोलते हैं, और वो बने हैं अनंता नागेश्वरन। ठीक है, अब इससे पहले ये कहां काम कर रहे थे? इससे पहले ये PMEAC में काम कर रहे थे। अब ये PMEAC क्या है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, प्रधानमंत्री को अलग से सलाह देने के लिए एक अलग से टीम बनी हुई है जो प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देती है, उसके मेंबर थे ये। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि PMEAC के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा, PMEAC के चेयरमैन कौन है? विवेक देबरॉय। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो हेड होते हैं किसके? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और बहुत बार बच्चे यकीन मानना, पेपर में क्वेश्चन आया है कि बजट कौन प्रिपेयर करता है। सो बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है? सो बजट प्रिपरेशन का काम हमारे पास किसका होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। ठीक है, बजट प्रिपरेशन का भी काम किसका होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो आई गेस पहली न्यूज आपको समझ आ गई होगी, पहली न्यूज हमारे पास अपॉइंटमेंट को लेकर है। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। अभी देखो बच्चों, हमारी जो अर्थव्यवस्था है लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास है, $3 ट्रिलियन, जो GDP जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है कि पहले उसको 5 ट्रिलियन की GDP में कन्वर्ट करें और बस लेटर ऑन स्टेज पे उसको $10 ट्रिलियन की GDP में कन्वर्ट करें। वर्ल्ड में सबसे बड़ी GDP राइट नाउ हमारे पास US की है। ठीक है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स, ठीक है, तो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी GDP है, नंबर वन पोजिशन पे कौन है? USA है, more than 20 trillion। ठीक है, लेकिन इंडिया भी बहुत दूर है उससे। ठीक है, अभी हमने उसके ऊपर काम करा है। तो यहाँ पर उस दौरान एक बुक आई है, बुक किसने लिखी है हमारे पास? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने, वित्त सचिव। ठीक है, और फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने एक बुक लिखी है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। और पेपर में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 10 ट्रिलियन ड्रीम हमारे पास जो बुक है वो किसने लिखी है? इस बुक के अकॉर्डिंग भारत जो है वो लक्ष्य स्थापित करेगा $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए 2026-27 तक, और $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए 2035 तक। तो ये लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट से ये दोनों लक्ष्य हैं, आप याद रखिएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी की जब भी बात होती है, याद रखना फाइनेंस सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो 1 रुपी के करेंसी नोट पे साइन करता है, याद रखिएगा, 1 रुपी के करेंसी नोट पे जो बंदा साइन करता है वो कौन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, और अभी राइट नाउ करंट फाइनेंस सेक्रेटरी अगर आपसे नाम पूछ ले जाए तो आप उनका नाम भी याद रखेंगे, TV सोमनाथन। TV सोमनाथन वो पर्सन है जो हमारे पास करंटली 1 रुपी के करेंसी नोट पर साइन करते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज हमारे पास 21st ग्रैंड स्लैम। ये न्यूज बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइटेड रही क्योंकि हमारे पास हुआ क्या है बच्चे, राफेल नडाल। पहली बात तो कौन सी कंट्री से है? इज फ्रॉम स्पेन। राफेल नडाल हमारे पास स्पेन से है, नेशनलिटी याद रखिएगा। तो इन्होंने हमारे पास 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। अब टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से ग्रैंड स्लैम है? US ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आ जाता है हमारे पास बच्चे फ्रेंच ओपन, और फिर लास्ट में आ जाता है विंबलडन। ठीक है, इन चारों को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम टाइटल। टेनिस में इन चारों को क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम टाइटल। ठीक है,
अब हुआ क्या है कि जो 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है वो किसने जीत लिया है, राफेल नडाल ने जीत लिया है। टेनिस में हमारे पास तीन प्लेयर का दबदबा है, वर्चस्व है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तीन प्लेयर जो जिनके सामने कोई नहीं टिकता, वो है रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के हैं, और नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के हैं, और हमारे पास तीसरे हो गए राफेल नडाल, जिनके तीनों के नाम मैंने अंडरलाइन कर दिए। इनको कहा जाता है बिग थ्री, इनको कहा जाता है बिग थ्री प्लेयर्स इन टेनिस। और इसमें इकलौते हमारे पास राफेल नडाल ऐसे जो लेफ्ट हैंडेड है, ये भी बड़ी खास बात है। तो इन्होंने 21वां टाइटल जीत लिया, बाकी ये दोनों प्लेयर 2020 में, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है। इन दोनों ने 2020 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, राफेल नडाल ने 21वां टाइटल जीत लिया है। मजे की बात क्या रही, जिसकी वजह से टूर्नामेंट हाईलाइटेड रहा, नोवाक जोकोविक को इस टूर्नामेंट में खेलने नहीं दिया गया। आप कहेंगे इतने बड़े प्लेयर को खेलने क्यों नहीं दिया गया, तो भाई आपने सुना होगा जैसे अभी कनाडा में और बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर इशू चल रहे हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, उसको लेकर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिली, और नोवाक जोकोविक ने कहा कि वो उन्हें वैक्सीनेशन नहीं करानी है। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई ठीक है, फिर अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करानी तो आपको खेलने भी नहीं दिया जाएगा। तो इसका फायदा किसको मिला, राफेल नडाल को मिला, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे राफेल नडाल वैसे भी जीत जाते, तो हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन बेसिक इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। और हमारे पास इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने जीत लिया है, और चार ग्रैंड स्लैम टाइटल मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूं, बाकी तो आपको नाम से पता चल गया होगा कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन सी कंट्री में हो रहा है, ठीक है। हमारे पास जो विम्बल्डन है वो हमेशा इंग्लैंड में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे, ये क्लासिक ग्रास कोर्ट पे खेले जाने वाला इवेंट है। विम्बल्डन की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, कौन सा इवेंट ग्रास कोर्ट पे, घास के मैदान पर, हमारे पास ग्रास वाले कोर्ट पे खेला जाता है, तो यह है विम्बल्डन। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने बात की यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ होंडारूस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास वुमेन प्रेसिडेंट, ये हमारे पास एक कैरेबियन कंट्री से हमारे पास न्यूज़ में है, कैरेबियन कंट्री है हमारे पास, एक कैरेबियन सी के पास, और इसकी कैपिटल हमारे पास तेगुसिपगपला, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू एक्चुअली प्रोनाउंस दिस, ठीक है, तेगुसिगल्पा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी कंट्री जिसको मेक्सिको से इंडिपेंडेंस मिली थी, और अब यहाँ पर पहली बार शोमारा कैस्ट्रो ये बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, जो हमारे पास मेसो अमेरिकन कल्चर के लिए जानी जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो एक एग्जाम पॉइंट से एक चीज़ और याद रखना, कि कुछ समय पहले एक और कैरेबियन कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बारबाडोस। क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि बारबाडोस एक ऐसी कंट्री थी जो हाल ही के टाइम में रिपब्लिक बनी है। तो याद रखिएगा, उस कंट्री के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो बारबाडोस एक ऐसी कंट्री जो हाल ही के टाइम में रिपब्लिक बना, और 400 साल के बाद, क्योंकि अभी तक वो क्वीन एलिजाबेथ को ही कंट्री का हेड मान रहे थे, अब वहां पर भी हमारे पास क्या है, रिपब्लिक सिस्टम जो है वो आ चुका है, वहां पर कंट्री ही अपने हेड को एक तरह से इलेक्ट करेगी। क्लियर, नेक्स्ट न्यूज। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हवा सॉन्ग 12 ब्लास्टिक मिसाइल। अब देखो ध्यान सुनिएगा बच्चे, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हुई क्या है, पहले तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके पास हमारे पास जो सीरीज ऑफ मिसाइल है उसका नाम है हवा सॉन्ग, ठीक है, हवा सॉन्ग। अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले हवा सॉन्ग 8 का परीक्षण किया था, जिसके बारे में कहा गया कि हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, हाइपरसोनिक का मतलब है फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक का मतलब है फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, अब यहाँ पर इन्होंने हासोंग 12 का टेस्ट कर दिया है। हासोंग 12 जो है वो भी एक ICBM की कैटेगरी में आती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM की फुल फॉर्म याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि हासोंग नाम की मिसाइल कौन सी कंट्री टेस्ट कर रही है, तो दैट इज नॉर्थ कोरिया। देखो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इन दोनों को जो लाइन सेपरेट करती है वो है 38th पैरेलल। इन दोनों को जो बॉर्डर लाइन सेपरेट करती है दैट इज 38th पैरेलल। अब देखो इसमें एक चीज बताना चाहूंगा मैं, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको, ध्यान सुनिएगा कि होता क्या है बच्चे, हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास यहां पर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन के बाद हमारे पास सिचुएशन चेंज होती है, और धीरे धीरे हमारे पास क्या होता है कि जो जापान है वो हमारे पास कोरियन
द्वीप पर कब्जा कर, मतलब कोरियन इस एरिया पे कब्जा कर लेते, पूरे कोरिया पे। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान इस एरिया को सरेंडर कर देता है। अब जो ऊपर वाला एरिया है उस पर कब्जा कर लेता है कौन, यूएसएसआर, यानी कि जो आज का रशिया, और नीचे वाले एरिया पे अमेरिका का कब्जा हो जाता है, यूएसए का कब्जा हो जाता है। बाद में दोनों कंट्रीज जो हैं अपना इसके ऊपर से जो इम्पैक्ट है वो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन कभी भी कोरिया यूनिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद कभी भी कोरिया जो है वो यूनिफाई नहीं हो पाया, एक नहीं बन पाया कोरिया उसके बाद कभी भी। और आज भी कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टसल जो है वो जारी है, दोनों के बीच में टसल जो है वो जारी है। तो और दोनों को बॉर्डर लाइन जो सेपरेट करती है वो है हमारे पास 38th पैरेलल। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको लीडर का नाम भी चलते चलते बता दूं, किम जोंग उन। आपको बताना चाहिए नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर कौन है, किम जोंग उन। ये तानाशाह एक तरह से हमारे पास सुप्रीम लीडर बोलते हैं अपने आप को, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में अभी भी डिक्टेटरशिप है। ओके सो आई गेस बहुत से बच्चों को इनका नाम पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। अभी देखो लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको इंडिया और इसराइल के बारे में बताया था। देखो इसराइल हमारा एक बहुत ही क्लोज अलाई है, ऐसा पार्टनर जो हर समय भारत के लिए आगे खड़ा रहता है हेल्प करने के लिए। तो इसराइल अब क्या करेगा, भारत में हमारे पास 150 विलेजेस में हमारे पास विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इनको एक तरह से कन्वर्ट करेगा 12 स्टेट्स में। इसराइल गवर्नमेंट इसमें सब में हेल्प करेगी। अब समझने वाली बात, ऐसे जो हमारे पास विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे उसमें कैसे काम होगा, उसमें हमारे पास विलेज ऑफ एक्सीलेंस में यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात चल रही है। ऐसे विलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात चल रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या होगा कि हमारे पास फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि एग्रीकल्चर में आप कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हाँ जी क्लियर, एग्रीकल्चर में आप कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी बने हुए हैं कुछ, और इसमें 1.2 लाख फार्मर्स को जो है ट्रेन किया गया है। तो ऐसे ही कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन 150 गांवों में बनाए जाएंगे ताकि अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर है उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया जा सके। देखो इसराइल की जब मैं बात करता हूँ तो अगर आपने सुना हो ड्रिप इरीगेशन, बूंद बूंद करके पानी देना, पानी का बहुत सही से इस्तेमाल सिंचाई के लिए, तो ड्रिप इरिगेशन का जो इस्तेमाल है सबसे पहले इसराइल ने ही शुरू किया था। इसराइल ऑलरेडी हमारे कई सारे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में पार्टनर है, ठीक है। और इसराइल की जो कैपिटल है वो है हमारे पास जेरूसलम, और इसराइल जो है हमें बहुत बड़े लेवल पे वेपन भी सप्लाई करता है। इसराइल एक जूई स्टेट है जिसको 1950 में इंडिया ने एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे पास एस्टेब्लिश किया था 1992 में। आपको मैं ये बता दूं बच्चों कि अभी 2022 में इसको 50 साल पूरे हुए हैं जिसकी सेलिब्रेशन थ्रू आउट द इसराइल की जा रही है। और मैंने आपको अगर लास्ट लेक्चर थोड़ा सा भी याद हो तो उसमें इसके बारे में आपको जरूर बताया था कि हमारे पास इसराइल में चल क्या रहा है। हाँ जी इसके बारे में मैंने तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी भी दी थी कि सब कुछ चल क्या रहा है, और कैसे इसराइल जो है वो अपनी कई सारी बिल्डिंग्स को इंडियन फ्लैग और अपने कंट्री के फ्लैग के थ्रू सजा रहा है, और अल्टीमेटली एक फ्रेंडशिप को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसराइल से इंडिया बहुत सारे वेपन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खरीदता है, और आप ये जो अब नया काम होने जा रहा है वो उसके बारे में जरूर याद रखिएगा। कैपिटल मैंने आपको बता दिया जेरूसलम। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जो जूस लोग होते हैं उनका सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कौन सा है, जूस लोग होते हैं उनका सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कौन सा है, तो ये आपको बता दूं ये है वेलिंग वॉल। वेलिंग वॉल, वेलिंग का मतलब होता है रोती हुई दीवार, या वेस्टर्न वॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जेरूसलम में ही आपको देखने को मिलेगी, और आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, तो वेलिंग वॉल या द वेस्टर्न वॉल हमारे पास जूस कम्युनिटी का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेथ पेनल्टी इन इंडिया। आप देखो एक रिपोर्ट आई है कि भारत में कितनी डेथ पेनल्टीज दी जाती है। अभी रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू डेथ पेनल्टी रिपोर्ट इन इंडिया, नंबर ऑफ प्रिजनर्स ऑन द डेथ रो एट द एंड ऑफ 2021 वाज 488। अब ये 2020 के कंपैरेटिवली, सॉरी 2020 के कंपैरेटिवली इनका नंबर थोड़ा ज्यादा है, मतलब कि जिनको फांसी सजा दी जानी है 2021 के एंड में, तो वो है 488, पिछले साल के कंपैरेटिवली 21% ज्यादा है। क्वेश्चन आता है रिपोर्ट लेकर कौन आया, अकॉर्डिंग टू डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है, प्रोजेक्ट 39A की तरफ से। अब ये प्रोजेक्ट 39A क्या है आपको बता दूं कि एक
हमारे पास एडवोकेसी ग्रुप है, लॉ रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप, जो चाहता है कि भारत के अंदर जो हमारे पास क्रिमिनल सिस्टम है, क्राइम लॉ है, उसके अंदर कुछ सुधार किए जाए। एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है उसके, एनएलयू दिल्ली के अंडर ये हमारे पास रहकर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है, प्रोजेक्ट 39 है। एनएलयू भारत के टॉप लॉ इंस्टीट्यूट और भारत में लगभग 23 एनएलयू राइट नाउ काम कर रहे हैं। इसमें जो आखिरी एनएलयू एस्टेब्लिश हुआ था वो सोनीपत में हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। हाँ जी क्लियर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो दैट इज इन सोनीपत हरियाणा। और हमारे पास ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट 39 है, ये हमारे पास काम करती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ठीक है। और क्राइम को लेकर आपको पता होगा कि भारत में सजा देने के लिए चलता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। हाँ जी क्लियर। सो आईपीसी के थ्रू सजा निर्धारित की जाती है। हाँ जी क्लियर। सो ये बेसिक बेसिक चीजें जो है आप याद रखें एग्जाम पॉइंट से। देखो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये बोलती हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। किस बेसिस पे ऐसा बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, समझाता हूं मैं। बहुत सी संस्थाओं का ये कहना है कि जब आप किसी को, मुर्दा आदमी को जिंदा नहीं कर सकते, कोई डेड पर्सन है उसको आप जीवित नहीं कर सकते, तो आप किसी जीवित व्यक्ति को मारने की सजा कैसे दे सकते हो। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने डेथ पेनल्टी खत्म किया हुआ है, वहां पर 200 साल 300 साल ऐसी सजा दी जाती है कि आप जब तक जिंदा रहोगे जेल में ही रहोगे। हाँ जी क्लियर। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन। अब देखो ध्यान सुनना बच्चे, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा हमारे पास आइलैंड है, आपको पता होगा ग्रीनलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है, इसके ऊपर बहुत सारी बर्फ है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पर एक मिशन था नासा का जिसको इन्होंने नाम दिया था ओएमजी मिशन। तो आपसे ही पूछा जाता है कि ओएमजी मिशन अभी रिसेंटली न्यूज में था, किस कंट्री का मिशन था, तो यूएस का मिशन था। यूएस की तरफ से इस मिशन को कौन लीड कर रहा था, नासा। इसकी फुल फॉर्म थी हमारे पास, आप देख लीजिए, ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड, ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन, जिसमें ग्रीनलैंड में कितनी तेजी से आई आइस मेल्ट हो रही है उसके बारे में स्टडी किया जा रहा था। तो इसमें बताया गया कि अगर ग्रीनलैंड की सारी आइस पिघल गई तो जो सी वाटर लेवल है वो 7.4 मीटर राइज कर जाएगा। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए बच्चों, अगर 7.5 मीटर लगभग, लगभग मैं 7.5 मीटर की बात कर रहा हूँ, 7.5 मीटर अगर सी वाटर लेवल राइज होता है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना दिक्कत होगी हमारे पास, और कितने सारे जो हमारे पास जो आइलैंड है वो डूब जाएंगे, जैसे मालदीव जैसे आइलैंड कंट्रीज हैं और कई सारे कंट्रीज हैं वो डूब जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है कि हमें कुछ ना कुछ कर कर बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो हमारे पास इंग्लैंड में जो फ्लावर हमारे पास देखने को मिलते थे वो एक मंथ पहले ही इस बार ब्लूम कर गए हैं, ठीक है, इस बार पहले ही वो 1 महीने पहले ही देखने को मिल गए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बुरे तरीके से सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, याद रखिएगा, सेंटिनल सिक्स नाम से हमारे पास, आपको ध्यान सुनिएगा, सेंटिनल सिक्स नाम से एक प्रोग्राम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसका काम क्या है, सेंटिनल सिक्स का काम क्या है, मॉनिटर सी लेवल, मॉनिटर द सी लेवल, सी लेवल को मॉनिटर करना। हाँ जी क्लियर। सी लेवल को मॉनिटर करना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो याद रखिएगा, हमारे पास कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रिविलेज मोशन ओवर पेगसिस। अब देखो ये पेगसिस वाला क्या मुद्दा है, मैंने शायद आपसे पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। पेगसिस एक स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है, एक जासूसी सिस्टम है जिसको बनाया है इजराइल के एनएसओ ग्रुप ने, एनएसओ ग्रुप ऑफ इजराइल ने पेगसिस नाम का जो सिस्टम है वो बनाया है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो पेगसिस नाम का सिस्टम था, इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर निगरानी रखना। मेरी बात ध्यान सुनेगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि ये जो सिस्टम है ये आपके फोन में डाल दिया जाएगा बिना आपकी जानकारी के, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके फोन में ये स्पाईवेयर डल जाएगा। कैसे डलेगा, आपके फोन पे मिस कॉल आएगी या मैसेज आएगा और आपके फोन में सिस्टम एंटर कर जाएगा। फिर आप किसको कॉल कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या इंटरनेट चला रहे हैं, सब इंफॉर्मेशन ये
उस पर्सन के पास जिसने आपके मोबाइल में इस सिस्टम को डाला है उसके पास ही भेजता रहेगा, मतलब आपके बारे में सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरी पार्टी के पास पहुंचती रहेगी। इसको गवर्नमेंट्स खरीदती हैं, पैगसिस को गवर्नमेंट्स को बेचा जाता है, आम इंडिविजुअल्स को बेचा नहीं जाता। तो कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने पैगसिस को खरीदा था और इसका यूज करके इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों के ऊपर जासूसी कराई थी, जिसमें कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जर्नलिस्ट थे, उन सबके ऊपर निगरानी रखी। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट डिनाई करते आई है कि हमने स्पाईवेयर का यूज नहीं किया। ठीक है, आप यहां पर ध्यान सुनिएगा बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अब यहां पर कांग्रेस ने हमारे पास लोकसभा में एक प्रिविलेज मोशन लेकर आए हैं किसके अगेंस्ट, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये अब पेगासस तो हमने समझ लिया कि पेगासस क्या है, लेकिन ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है। देखो, बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं। प्रिविलेजेस का मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं जो आपको नॉर्मल इंसान से थोड़ा अलग खड़ा करती हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट से 40 दिन पहले, सेशन में आने से 40 दिन पहले आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के सेशन आने के बाद 40 दिन के बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर आप एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आइदर इन लोकसभा और आइदर इन राज्यसभा, तो जब लोकसभा जब सेशन है हमारे पास, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सेशन के दौरान। सेशन से 40 डेज पहले भी आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और सेशन के 40 डेज बाद भी आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सिर्फ सिविल केसेस में, नॉट इन क्रिमिनल केसेस। ऐसा नहीं आपको किसी का मर्डर कर दो और बोल दो कि मैं नहीं अरेस्ट होऊंगा। सिविल केसेस में आपको ये बेसिक फैसिलिटी दी जाती है। और भी काफी सारी प्रिविलेजेस हैं जो दी जाती हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप उन प्रिविलेजेस का गलत तरीके से उपयोग करते हो तो आपके खिलाफ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है हमारे पास प्रिविलेज मोशन, और फिर आपको उसकी वजह से अगर ये प्रिविलेज मोशन पास हो जाता है तो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। अब ये प्रिविलेज मोशन को हमारे पास आगे बढ़ाने के लिए परमिशन किससे लेनी पड़ती है? लोकसभा में परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? लोकसभा में हमारे पास स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो लोकसभा के स्पीकर राइट नाउ कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला से इस परमिशन लेकर ये जो मोशन है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ये मोशन पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं उससे हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास अल्टीमेटली, हाँ जी, उससे हमारे पास अल्टीमेटली जो सजा है वो मिलेगी किसको? अश्विनी वैष्णव को। किसी ना किसी तरह से उनको यहाँ पर जो इस चीज का जवाब है वो देना पड़ेगा। तो आई गेस ये कंसेप्ट आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। पेगासस के बारे में याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है भी है। आप मुझे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर जांच करने के लिए कमेटी बिठाई थी और उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? हाँ जी, उस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं अभी हाल ही के दिनों में? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन। अभी कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन क्या होते हैं? देखिए ध्यान सुनिएगा, जब हमारे पास गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, ध्यान सुनिएगा, गवर्नमेंट को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है? गवर्नमेंट उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर देती है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटीज को सेल आउट करती है। और कई बार जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई उन सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। तो इससे एक तरह से टेक्निकली फंडिंग मिल जाती है हमारे पास किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली हेल्ड कन्वर्जन ऑपरेशन। कन्वर्जन ऑपरेशन क्या होता है अभी ये समझते हैं। इसी को स्विच ऑपरेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्विच ऑपरेशन अंडर विच गवर्नमेंट बोट बैक द सिक्योरिटीज फ्रॉम द आरबीआई। जो आरबीआई को सिक्योरिटीज दी गई थी वो फिर से वापस ली गई है, मतलब जो पैसा आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया था वो कहीं ना कहीं वापस मिल गया है। तो दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर मैच्योरिंग इन 2022, 2023, 24 एंड 25। दीज सिक्योरिटीज वर बोट। अब इसके लिए आरबीआई को कितना पैसा दिया जा रहा है? हाँ जी, एक तरह से सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, आसान शब्दों में। ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा प्रोवाइड करता है। आप कहेंगे आरबीआई क्यों पैसा प्रोवाइड कर रहा है? आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेक्निकली डायरेक्ट अंडर नहीं आता। तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनी प्रोवाइड करता है एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो पैसा जो है वो सिक्योरिटीज की फॉर्म में दिया जाता है। बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज देती है आरबीआई को कि हम लिख कर दे रहे हैं कि हमने इतना पैसा लिया है। बाद में वो सिक्योरिटीज वापस हो जाती है और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिटर्न कर देती है। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिली है। अब क्वेश्चन आ जाता है आपको, मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट कि इस सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए एक एंटिटी काम करती है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि आसान भाषा में आरबीआई जो है वो सरकार को, केंद्र सरकार को लोन प्रोवाइड करता है, और लोन देने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज। हाँ जी क्लियर, लोन देने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज। और भी कई तरह से आरबीआई जो है गवर्नमेंट को लोन देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कहलाता है सिक्योरिटीज। आरबीआई के करंट गवर्नर का नाम याद रखिएगा, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? आरबीआई की करंट गवर्नर है शक्तिकांता दास। आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, ठीक है। और आरबीआई बहुत टाइम से इस ऑपरेशन को, इस चीज को कंटिन्यू करता है, ठीक है। और कई बार आप टर्म सुनते होंगे एलटीआरओ, इसके बारे में मैं बता दूं। एलटीआरओ कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में अगर टर्म सुनी हो तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, तो इसमें भी आरबीआई क्या करता है, ज्यादातर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो आपने याद रखना है एलटीआरओ, अगर संबंध अगर पूछ लिया जाए तो एलटीआरओ का संबंध आरबीआई से है, और इसमें भी आरबीआई क्या करता है, पैसा उधारी पर अवेलेबल कराता है टू द गवर्नमेंट। ओके नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट न्यूज, हमारे पास फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, फ्लाई ऐश क्या होती है पहले तो ये समझाता हूँ। भारत में आज भी बच्चों मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है, कोयला से बिजली बिजली बनती है। अब कोयले से बिजली कैसे बनती है, पहले कोयले को जलाया जाता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, इस हीट का यूज करके वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, इससे मिलते हैं वाटर वेपर, मतलब पानी जो है उसको गर्म किया जाएगा हीट का यूज करके और वाटर वेपर मिल जाएंगे, और इन वाटर वेपर से टरबाइन चलाई जाएगी, टरबाइन की शाफ्ट्स को रोटेट किया जाएगा और इस टरबाइन को चलाने से मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस सब प्रोसेस में बहुत सारी कोल ऐश निकलेगी, कोयले की राख आसान शब्दों में। अब आप सोच के देखो यार, डेली कितने टन, कई सौ टन कोयले की ऐश निकलती होगी, इसको करें तो करें क्या। इसका बीच में एक प्रावधान आया था कि हम इससे ईंट बना ले, भारत में कंस्ट्रक्शन भी बहुत होती है तो ईंट बना ले, लेकिन उस ईंट की कुछ लिमिटेशंस है। जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशन है, नॉर्मल घरों में इसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ टेक्निकल लिमिटेशन है। तो अब यहाँ पर एनजीटी, अब एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये हमारे पास आर्टिकल 21 के तहत बनी एक बॉडी है, ठीक है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका काम क्या होता है, इंडिया में एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को कहीं ना कहीं मैनेज करना, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास हमें पता होना चाहिए, एनजीटी के चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। पहले तो आपको ये बता दूं कि हु इज द करंट चेयरमैन, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके करंट चेयरमैन है, ठीक है। अब ध्यान सुनते रहिएगा बच्चों, तो इसने क्या कहा है कि इसने कहा कि भाई अब हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे, पॉलिसी का नाम है फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021, जिसमें हमारे पास कि कैसे इसको डिस्कार्ड करना है, कैसे इसको हमारे पास मैनेज करना है, उसको लेकर पूरी की पूरी जो है एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है एनजीटी के द्वारा। तो एनजीटी, अगर एनजीटी की गाइडलाइंस फुलफिल नहीं की गई तो थर्मल पावर प्लांट्स पर अभी हमारे पास क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट्स पर भी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। हाँ जी क्लियर, थर्मल पावर प्लांट्स पर भी एक्शन लिया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको चीज ये याद रखनी है। आपको मैं एक और चीज बता दूं पेपर पॉइंट से, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट, कोयले से जहां बिजली बनती है, दूसरे पावर प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट की। तो याद रखिएगा जो विंध्याचल, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट ये हमारे पास मध्य प्रदेश में है, ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी अराउंड 4760 मेगावाट है, ठीक है। तो ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो कुछ चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं सब्जेक्टेड टू, ठीक है, सब्जेक्टेड टू ऑल दिस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज है फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है
वो हमारे पास बनने जा रहा है। और ये भी कहाँ बन रहा है, मध्य प्रदेश में। देखो मध्य प्रदेश फ्लोरा एंड फौना में बहुत रिच है। सो मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है हमारे पास पहला जूलॉजिकल पार्क जबलपुर में। हमारे पास जबलपुर लम्हाटा में, अभी यहाँ पर आपको बता दूं कि लम्हाटा में हमारे पास 1928 में हमारे पास डायनासोर के फॉसिल मिले थे, मतलब कि इस एरिया में कभी डायनासोर भी पाए जाते थे। तो यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा इस एरिया को जियो हेरिटेज साइट का भी हमारे पास एक तरह से टैग मिल चुका है। इंपॉर्टेंट चीज आपको देखो एक और मैं बता दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1851 में। ये इंडिया की सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इंडिया में जो अभी भी काम कर रही है अंग्रेजों के टाइम से? सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो सर्वे ऑफ इंडिया के बाद हमारे पास अगर हम बात करें सर्वे ऑफ इंडिया के बाद यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया हमारे पास 1767 में, आपको मैं ये बता दूं ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी 1767 में, और ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक चीज और जो आपने याद रखनी है कि ये जो सिलेक्शन हुई जियोलॉजिकल पार्क को लेकर, इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो हमारे पास ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ये काम कर रहा है। तो सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आप बता दीजिए कि भारत में पहला जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ बनने जा रहा है। तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है हमारे पास यहाँ पर मध्य प्रदेश जबलपुर में। नेक्स्ट, 50 ईयर्स ऑफ ब्लडी संडे। देखो जो ब्रिटिशर्स है ना अपने मैसेकर्स के लिए, नरसंहारों के लिए, कत्लेआम के लिए वर्ल्ड में हर जगह फेमस है, ऐसा नहीं कि इंडिया में फेमस है। कई जगह अंग्रेजों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कत्लेआम किया, स्पेशली जब उनका कॉलोनियल पीरियड था, जब उन्होंने वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे कब्जा किया हुआ था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयरलैंड की। तो जैसा इंडिया में जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट था, सेम एक ऐसा और इंसिडेंट जो है उसकी 50th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की, सॉरी सेलिब्रेट बोल रहा हूँ, थोड़ा गलत वर्ड मैंने यूज कर लिया, ऑब्जर्व की गई है। उसकी 50th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है उस इंसिडेंट की, उस भयानक इंसिडेंट की जो कि 1972 में हुआ था, जिसको ब्लडी संडे के नाम से हमारे पास यहाँ पर रेफर किया गया है। आप देखिएगा कि हुआ क्या था कि हमारे पास लोग जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? अगर आपको जलियांवाला बाग का किस्सा याद हो तो आपको पता होगा कि वहां पर रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट की वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे। रॉलेट एक्ट के थ्रू हमारे पास डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था, उसकी वजह से जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा थे। कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट वजह था। रॉलेट एक्ट में विदाउट एनी ट्रायल लोगों को जेल में बंद रखने का प्रावधान था। तो यहां पर भी आप देखिए कि यहां पर भी वही चीज थी कि हमारे पास कि बिना इंटरमेंट मींस जेलिंग, मतलब इंटरमेंट के बिना हमारे पास विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल जेल में लोगों को रखने का प्रावधान बना दिया था अंग्रेजों ने। तो लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, और यहां पर क्या किया गया, अंग्रेजों ने किलिंग की। और यहाँ पर इस किलिंग के 50th हमारे पास जो ईयर है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, उस दुख भरे पल को याद किया गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये कहाँ किया गया, नॉर्दर्न आयरलैंड में, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो ये चीज याद रखिएगा, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर पाओगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट से। ठीक है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट से थोड़ा बहुत हमारे पास कह सकते हैं कि कुछ मिलता हुआ इंसिडेंट देखने को आपको। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्राइट ट्रेन इन मणिपुर। अब देखो फर्स्ट फ्राइट ट्रेन जो है, फ्राइट का मतलब क्या होता है, जो सामान ढोकर पहुंचती है, मतलब जिसका काम होता है सामान ढोना। अब जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी अभी तक बच्चे अच्छी नहीं है। अगर मैं आपको बात यहां पर बताऊं तो यहाँ पर अभी तक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और स्थिति बहुत खराब होने की वजह से इसका फायदा चाइना उठा सकता है कि अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी नॉर्थ ईस्ट पे, तो वो क्या कर सकता है, जब उसे मौका मिलेगा तो वो इंडिया कनेक्शन जो है वो कट डाउन कर सकता है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफी हद तक यहाँ पर काम कर रही है कि जो सिस्टम है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए, कनेक्टिविटी को और अच्छे लेवल पर लेकर आया जाए। हाँ जी, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो ट्रेन है हमारे पास, वो हमारे पास पहुंची है रानी गाइडिनलू स्टेशन पे, जो मणिपुर में एक स्टेशन है। देखो रानी गाइडिनलू अगर हम बात करें, ये मणिपुर की एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर हैं। इनके बारे में बता दूं कि ये हरेका मूवमेंट,
से संबंधित थी, हरेगा मूवमेंट से ये संबंधित थी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनको रानी का जो टाइटल है वो हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एक क्वेश्चन आप याद रखेगा, रानी गाइडिनलू को जो रानी का, ये एक रानी कोई रानी नहीं थी, एक हम जैसे नॉर्मल लोगों की तरह, एक आम, हमसे तो खैर बहुत ही बेटर क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर थी। 16 साल की उम्र में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। आप सोच के देखिए, मैं 16 साल की उम्र में अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया गया था इनकी मूवमेंट की वजह से। लेकिन ये कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। पंडित नेहरू जब इनसे मिले जेल में तो उन्होंने इनको रानी कहकर संबोधित किया। तो इसी वजह से ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है नॉर्थ ईस्ट में। और इन्हीं के नाम पर हमारे पास आपको एक स्टेशन देखने को मिलेगा मणिपुर में, जहां पर ये जो ट्रेन है वो एंटर की है आफ्टर द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आने वाले टाइम में टारगेट क्या है बच्चे? आने वाले टाइम में हमारा टारगेट है कि हम ट्रेन नेटवर्क को मोरे तक लेके जाएं। अब मोरे आपने याद रखना है, मोरे एक ट्रेडिंग सेंटर है बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार बॉर्डर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोरे एक ट्रेडिंग पॉइंट है इंडिया की किस स्टेट के साथ? तो मणिपुर और म्यांमार के बीच में, मणिपुर और म्यांमार के बीच में हमारे पास ये बॉर्डर है। और म्यांमार में आपको बताना चाहिए अभी कू चल रहा है। कू का मतलब क्या है? तख्ता पलट हो रखा है, ठीक है। म्यांमार में हमारे पास क्या हुआ था कि जो यहाँ के आर्मी के ऑफिसर थे, जो हमारे पास आर्मी के ऑफिसर थे, उन्होंने अपने आप को हमारे पास डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वही हमारे पास क्या है, वही हमारे पास प्रेसिडेंट है। सो आपको बता दूं कि म्यांमार में ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। और म्यांमार के ऊपर हमारे पास कई तरह के सैंक्शन इंटरनेशनली लग चुके हैं क्योंकि यहां पर डिक्टेटरशिप एक तरह से तानाशाही चल रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर याद रखिएगा, भारत के कौन से राज्य में फ्राइट ट्रेन 75 साल बाद पहुंची है? तो मणिपुर में पहुंची है। और कहां पहुंची है? रानी गाइडिनलू स्टेशन पे। रानी गाइडिनलू को हमारे पास रानी का टाइटल किसने दिया था? पंडित नेहरू ने दिया था। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और कौन सी मूवमेंट के लिए फेमस थे? ये हरेगा मूवमेंट के लिए फेमस थे। हाँ जी, क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेस्ट एक्सरे। अब देखो बच्चों, ध्यान सुनना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेस्ट एक्सरे का मतलब क्या है कि भाई इससे कहीं ना कहीं कोविड के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। कोविड के बारे में किसी ना किस तरह से पता लगा लिया जाए। एक स्पेशलाइज तरह का एक्सरे है। ये किसने हमारे पास डेवलप किया है? IIT जोधपुर ने। देखो भाई, IIT की जब जितनी भी मैं तारीफ करूँ उतनी कम, भारत को इतनी अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजीज इन्होंने प्रोवाइड किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और साथ ही टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने के साथ कोविड के टाइम पर इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो यहाँ पर एक प्रपोज डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम इन्होंने बनाया है जिसको नाम दिया है कोमिट नेट के नाम से। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक्सरे है वो हमारे पास कोविड के बारे में हमें ये बता सकता है कि कोविड ने कितने बड़े लेवल पर इम्पैक्ट किया है। क्योंकि जनरली हमारे पास RT-PCR जो है, मेरी बात ध्यान सुनना, RT-PCR जो टेस्ट होता है उससे हमें पता चलता है कोविड है या नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी क्या है वो पता नहीं लग पाती, ठीक है। सो IIT के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि IIT का सपना हमने पहले 5 ईयर प्लान में ही देख लिया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही IIT बनाने की बात चली थी। और भारत की पहली IIT थी IIT खड़गपुर, ठीक है, IIT खड़गपुर जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 5 ईयर प्लान में ही IIT बनाने का सपना हमने देख लिया था और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था टेक्नोलॉजी को लेकर। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास हरमस मिशन। अब देखिए, हरमस मिशन क्या है? नासा का हरमस मिशन अभी काफी न्यूज में है। अब आप कहेंगे हरमस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। नासा का आने वाले टाइम में सबसे बड़ा मिशन क्या है? नासा वैसे बहुत सारे मिशन चला के रखती है, कई सारे मिशन अभी भी चल रहे होंगे जिनको बाकी एजेंसीज, बाकी स्पेस एजेंसी जिनके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन जब मैं बात करता हूँ हरमस मिशन की, तो हरमस मिशन किससे जुड़ा हुआ है हमारे पास? आपको बता दूं कि यहाँ पर अर्टमिस मिशन की बात है। देखिए अर्टमिस मिशन क्या है, पहले तो ये समझिए। 2024 में हमारे पास नासा का ऑब्जेक्टिव है कि 2024 में मून के सरफेस पे फिर से इंसान को लैंड कराएंगे। मून के सरफेस पे फिर से इंसान को लैंड कराएंगे, जो बहुत टाइम से नहीं हुआ। तो और उसमें एक पहली बार किसी फीमेल को भी ये एक तरह से मिशन का पार्ट बनाएंगे, तो पहली बार कोई वुमेन जो है वो मून के सरफेस पे लैंड करेंगे। अब क्वेश्चन जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए वो क्या बच्चे? देखिए ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास ये जो मिशन है,
ठीक है, ये जो मिशन है हमारे पास, इसमें हमारे पास नासा को पहले कुछ प्लानिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो पहले तो आर्टेमिस मिशन आपने याद रखना है, मून का, मून को लेकर एक मिशन है 2024 में कंडक्ट करेगा नासा। उसके पहले प्लानिंग करने के लिए इसी मिशन से रिलेटेड एक और मिशन उन्होंने कंडक्ट किया है, हरमस मिशन। हरमस की फुल फॉर्म आप देखिएगा, स्टैंड फॉर हेलियो फिजिक्स एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट। बेसिकली मून के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट है अलग अलग चीजों का, उसको स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। ताकि देखिए, ध्यान सुनिएगा, मून के ऊपर जो अलग अलग चीजें उनको स्टडी किया जाएगा, ताकि ताकि आर्टमिस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके। ओके, आर्टमिस मिशन को ताकि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके, तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा कहीं ना कहीं रहेगा। आपको मैं एक और चीज बता दूं बच्चे, नासा ने एक और प्रेडिक्शन दी है। नासा ने क्या प्रेडिक्शन दी है कि 2030 तक हमारे पास, 2030 तक जो ये सी वाटर लेवल राइज हो रहा है, हमने अभी बात की ना कि सी वाटर लेवल राइज हो रहा है, लगातार बर्फ पिघल रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हाई टाइड्स आया करेंगी। अब जो टाइड्स आती हैं उस हमारे पास अर्थ के ऊपर लहरें, तो उसके लिए मून रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब पानी बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो टाइड्स भी हाई होंगी, तो उनको इन्होंने नाम दिया है न्यूसेंस फ्लड्स। एक चीज याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूसेंस फ्लड्स हमारे पास 2030 तक देखने को मिलेंगे। ये किसने कहा है, नासा की स्टडी ने कहा है। और इन फ्लड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो बढ़ता सी लेवल है और जो मून है, मून की वजह से इस टाइप के जो फ्लड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस जो है सारे आपने याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास तहिती प्रिस्टिन कोरल रीफ। अब देखो, फ्रेंच पोलिनेशिया हमारे पास एक कंट्री, और यहाँ का एक हमारे पास आइलैंड है तिथि आइलैंड, जो बहुत ही ज्यादा हमारे पास डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो वहां पर पता चला है नए कोरल रीफ के बारे में, जो कि हमारे पास अनअफेक्टेड है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसका अभी तक कोई असर इसके ऊपर नहीं है। कोरल रीफ की बात मैं करूं, बच्चे ध्यान सुनना, कोरल रीफ को कहा जाता है हाँ जी, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। अब रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन क्यों कहा जाता है, देखो हमारे पास ओशन जो रेन फॉरेस्ट है वहां पे सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। तो यहां पर अगर हम सी के अंदर बात करें, तो सी के अंदर सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना कहाँ मिलते हैं, सी के अंदर सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमारे पास कहीं ना कहीं कोरल रीफ के पास। तो और नॉर्मल ग्राउंड पे हमारे पास रेन फॉरेस्ट में, तो कोरल रीफ जो है अगर हम बात करें अंडर वाटर इकोसिस्टम है, और यहाँ पर जो है रीफ बनती कैसे है, फॉर्म बाय द कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलीएप्स। कोरल पॉलीएप्स जो कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़े होंगे, उनकी वजह से हमारे पास इनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली इनका जो नंबर है वो घटता जा रहा है। आपको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताने की बात करूं, कि इनका जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका जो एरिया है, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं सी के अंदर, कोरल रीफ जो और एरिया ऑक्यूपाई करते हैं वो पूरे ओशन के अंदर 0.1% है, लेकिन समुद्र के अंदर लगभग 25% स्पीसीज आपको कोरल रीफ के पास देखने को मिलेंगी। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये भी आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई गेस बेसिक बेसिक चीजें पता होगी चल गई होंगी आपको, याद रखना कि तिथि प्रिस्टिन कोरल रीफ कहाँ मिली है, फ्रेंच पोलिनेशिया में। ओके, और जो भारत के, हाँ जी, भारत के जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अटोल फॉर्मेशन से बने हैं, और उसमें भी कोरल्स का बहुत बड़ा अहम योगदान है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू लेप्रोसी केसेस ड्यूरिंग 2020-2021 इन इंडिया। अब लेप्रोसी की बात करें, लेप्रोसी है कुष्ठ रोग, हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, स्किन की डिजीज है। और भारत में बच्चों ये बहुत ज्यादा हुआ करती थी, मतलब कि गांधी जी को कई बार इसके बारे में बातचीत करनी पड़ी कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनको समाज से बहिष्कृत ना किया जाए,
पहले क्या होता था, जिन लोगों को कुष्ठ हो गया उनको समाज से बहिष्कृत, मतलब कि सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता था। अभी भी इसको देखो, इसको लेकर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे कि ऑल द इंडिया को 2005 में लेप्रोसी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अभी भी वर्ल्ड के जो 60% केसेस लेप्रोसी के लास्ट ईयर आए हैं वो इंडिया से ही आए हैं। मतलब कहने के लिए इंडिया फ्री हो गया लेकिन अभी भी लेप्रोसी को खत्म नहीं कर पाया। इसको हैंसन डिसीज भी बोलते हैं, शरीर के ऊपर हमारे पास ये कुछ इसमें अंग जो है बॉडी के, स्पेशली हाथ वगैरह, वो भी बॉडी ऑर्गन्स भी बहुत बड़े लेवल पे डैमेज हो जाते हैं। तो ये एक बैक्टीरियन डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होती है, एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, और ये सांस के थ्रू भी फैल सकती है। मान लीजिए मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे साथ कोई पर्सन खड़ा है, तो उसको भी ये डिजीज फैल सकती है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये पूरे विश्व की ओल्डेस्ट डिजीज है जिसके बारे में रिकॉर्ड मिलता है। मतलब लाइक टेक द एग्जांपल, हमारे पास जो पुराने हमारे पास टेक्स्ट, जो पुरानी चीजें हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में लिखा जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको हमारे पास उसके बारे में जरूर लिखा मिल जाएगा। और ये अपने आप में वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डिसीज कंसिडर की जाती है। और 30 जनवरी को, मैं आपको ये बता दूं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 जनवरी को, ठीक है, 2022 को भी ये ऑब्जर्व किया गया। चलिए, और गांधी जी ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की थी, कुष्ठ रोगियों के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कि अगर किसी को ऐसी डिजीज हो भी गई है तो कम से कम हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई आपको सोसाइटी से बाहर ही जाना पड़ेगा, कम से कम उन्हें हेल्प की कुछ ना कुछ जरूरत है, उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि बजट से, देखिए ध्यान सुनेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बजट से जस्ट एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। इसमें क्या कहा जाता है कि पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, बजट होता है फ्यूचर में हमारी क्या प्लानिंग है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारी क्या, हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन रही, क्या हमने काम किया, क्या अच्छा रहा क्या रहा बुरा रहा, वो कैसे पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हमारे पास प्रेजेंट किया। इसको प्रिपेयर करने का काम जनरली कौन करता है, इसको प्रिपेयर करने का काम हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, लेकिन इस बार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने किया, ठीक है। वैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, सीईए करता है, लेकिन इस बार खास क्या हुआ कि इस बार इसको प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने प्रिपेयर किया, जिनका नाम है संजीव सान्याल, ठीक है, जिनका नाम है संजीव सान्याल। और यहां पर आपको बता दूं, इस सर्वे में सिंगल वॉल्यूम था, हाँ जी क्लियर, सिंगल वॉल्यूम था हमारे पास विद टू सेपरेट सेट ऑफ स्टेटिस्टिकल टेबल्स। ओके, चलिए, सिंगल वॉल्यूम था, कई बार दो वॉल्यूम भी आ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्होंने हमारे पास जो फिस्कल ईयर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर हमारे पास आने वाला है, 2022-23 कौन सा फाइनेंशियल ईयर, देखो पहले तो आपको ये समझा दूं मैं, 1 अप्रैल 2022 से यहां पर 31 मार्च 2023 की बात हो रही है, कि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई लगभग 8 से 8.5%। ये क्वेश्चन आपसे पहला, तो ये क्वेश्चन बन गया कि हमारे पास कितनी ग्रोथ रेट रहेगी, और हमारे पास इन द करंट फाइनेंशियल ईयर लाइकली टू ग्रो एट 9.2%। एग्रीकल्चर जो है हमारे पास, एग्रीकल्चर जो है और बाकी सेक्टर जो 3.9% की ग्रोथ रेट दिखाएंगे। इंडिया की जो इकोनॉमिक और जो करंट ईयर है, देखो करंट ईयर की बात अगर मैं करूं तो ये जो ईयर चल रहा है अभी, अभी हमारे पास ये ईयर नहीं चल रहा, अभी हमारे पास कौन सा ईयर चल रहा है, हमारे पास 21-22 चल रहा है, तो उसमें हमारे पास ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 9.2%। मतलब कि जो अभी खत्म होगा 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.9%, और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द फिस्कल ईयर दैट विल बी फास्टेस्ट अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो ये कुछ जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्शंस की बात की गई है उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, लूनर ईयर 2022, ईयर ऑफ टाइगर। देखो चाइना जो है वो लूनर ईयर के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, और इसी दिन उन्होंने बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत की। आपको बता दो, बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत इन्होंने अपने न्यू ईयर कैलेंडर पे की है, तो इसी वजह से पेपर पॉइंट उसे, वैसे तो क्वेश्चन, मतलब कि चाइना को लेकर हमें क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन चलो फिर भी हम पॉसिबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है हमें हर तरह से फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अभी उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अभी हमने एक न्यूज़ कवर करनी है, उससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने जो हमारा बीजिंग ओलंपिक है उनका डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है। चाइना के साथ तो हमें लाइक देखो
वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि हमें चाइना का काफी हद तक बायकॉट करना चाहिए। हम उन्हें हर साल 100 बिलियन डॉलर का एक तरह से काम देकर ला कर देते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके प्रोवाइडर ही वो है, तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि हम चाइना को, जैसे वो हमें नुकसान पहुंचाता है, सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है और हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम भी उसको कहीं ना कहीं उसी की लैंग्वेज में जवाब दें। ठीक है, तो हमारे पास, क्योंकि चाइना कभी सुधरने वाला नहीं है, अगर आप देख ले 1962 से जो उसकी हरकतें हैं उनमें कोई सुधार अभी तक नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर चाइनीज जोडी के अकॉर्डिंग जो अब जो लूनर ईयर शुरू हुआ है वो हमारे पास शंगेक्शियो ईयर है, जिसका मतलब क्या होता है, ईयर ऑफ टाइगर। तो मैं ज्यादा यहाँ पर ना बताते हुए बस सिंपल इतना कहूंगा कि जो अब चाइना में जो 2022 का जो ईयर शुरू हुआ है वो कौन सा ईयर है, ईयर ऑफ टाइगर है, बस इतना याद रख लेना। इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, एक अच्छी न्यूज, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर की जब मैं बात करता हूं, तो इस बार इंडिया के जो गोलकीपर हैं पीआर राजेश, बहुत डिजर्व करते थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिल पाया इन द टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, वैसे तो पूरी टीम के एफर्ट थे, लेकिन इनका एफर्ट अपने आप में खास था, तो इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में इनका खास योगदान रहा। तो इनको यहाँ पर चुना गया है हमारे पास एथलीट ऑफ द ईयर 2021। तो ये हमारे पास इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इंडियन हॉकी टीम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि काफी टाइम बाद एक इंडियन हॉकी का एक मेडल विनिंग प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला था टोक्यो ओलंपिक्स में। और ये हमारे पास पहले मैन और दूसरे इंडियन प्लेयर बने हैं जिनको ये मेडल मिला है। इससे पहले इंडियन जो वुमेन कैप्टन है रानी रामपाल, ठीक है, इंडियन वुमेन कैप्टन जो है रानी रामपाल, उनको ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, उनको ये अवार्ड इससे पहले मिल चुका है। तो इंडियन हॉकी टीम इस बार जो है वो उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करके आई, ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पर जो है वो काफी हद तक इनको अप्रिसिएशन भी मिला। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन का नाम भी याद रख लीजिएगा, मनप्रीत सिंह। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह, उनका नाम भी याद रख लीजिएगा। और गोलकीपर का नाम आपके सामने है पीआर श्रीजेश, जिनको इस बार एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, इंडियाज रैंक इन फॉरेस्ट गेन। हाँ जी, इंडिया रैंक इन द फॉरेस्ट गेन एरिया गेन। तो कितना फॉरेस्ट इंडिया ने गेन किया, पहले तो आपको मैं टारगेट बताता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि पूरे इंडियन एरिया का एटलीस्ट, भारत में जितना भी एरिया उसका 33% एरिया एटलीस्ट फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, पहले तो लक्ष्य पता होना चाहिए। अब यहाँ पर रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जो बजट प्रिपेयर करता है, कि भारत ने हमारे पास तीसरा रैंक हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट गेन एरिया, मतलब कि जो एरिया हमने बढ़ाया है उसमें तीसरा नंबर है। मतलब कि कई कई सारे कंट्रीज वर्ल्ड में फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया ने जितना एरिया बढ़ाया है अगर उसका नंबर देखें तो 2-10 सालों में वो हमारे पास लगभग काफी बड़ा एरिया इंडिया ने बढ़ाया है। 2% एरिया जो है वो हमारे पास पूरे वर्ल्ड का फॉरेस्ट इंडिया में मिलता है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितने फॉरेस्ट है उसका 2% एरिया इंडिया में है। ओके, तो हमारा जो लक्ष्य है अपने टोटल एरिया का, इंडिया के कुल एरिया का 33% फॉरेस्ट एरिया में तब्दील करना। तो अब आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए कि हाईएस्ट प्रोपोर्शन वाइज सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ पर है, प्रोपोर्शन वाइज मतलब परसेंटेज वाइज। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो मिजोरम है उसके 85% 85% एरिया पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में 79% और मेघालय में 76%। लेकिन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया तो परसेंटेज वाइज है, तो वो कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। देखो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसका 85% फॉरेस्ट से कवर्ड है, लेकिन अगर एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में निकालेंगे, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, तो सबसे ज्यादा हमारे पास फिर भी टोटल एरिया जो है वो एमपी का फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है, क्योंकि एमपी बड़ी स्टेट है एज कम्पेयर टू द एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए फॉरेस्ट एरिया भी बहुत बड़ा है। ऑल्दो सबसे बड़ी स्टेट एरिया में तो राजस्थान ही है, लेकिन एमपी बाकी स्टेट्स में के कंपेरेटिवली अगर देखें तो फिर भी एक बड़ी स्टेट है एरिया के अंदर। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो देखो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी और बाकी जो क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उनका यूजेज भारत में बढ़ाएं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, पिछली चीज रिकॉल कराता हूँ, कि इंटरनेशनल सोलर अलाइंस नाम से एक संस्था
हमने एस्टेब्लिश की थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुरुग्राम में। इसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था ताकि भारत और पूरे विश्व में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। फिर से फुल फॉर्म रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अब यहाँ पर सिर्फ हम सोलर एनर्जी पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा वो किसका रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि हम जितने भी क्लीन एनर्जी होती है, जो भी हमारे पास क्लीन एनर्जी हो सकती है, यूज हो सकती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करें। तो इसी वजह से हमारे पास एक सेंटर बनाया गया है यहाँ पर, और ये सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी ये कहाँ पर बनाया गया है हमारे पास, अगर हम बात करें, ये बनाया गया है धारवाड़, आईआईटी धारवाड़। ठीक है, आईआईटी धारवाड़ में हमारे पास बनाया गया। देखो आईआईटी के बारे में जितनी तारीफ मैंने बताया था कि करो उतनी कम, तो जो हमारे पास ये आईआईटी है, ये बेसिकली काम करेगी जो इंडिया की टारगेट है। आईआईटी धारवाड़ है कौन सी स्टेट में, पहले तो ये समझ लो, दैट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। आईआईटी धारवाड़ कहाँ है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ तो यहां पर इंडिया का टारगेट क्या है, एटलीस्ट 50% से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट 2030 तक वो किससे हो, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हो, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हो। अभी हमारे पास ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारा लक्ष्य क्या है कि उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे कहीं ना कहीं लेकर आए। एक चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा बच्चों, कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इशू किए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, टोटल 17 गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 गोल्स, इनको 2030 तक कंप्लीश करना है। याद रखना, यूनाइटेड नेशन ने जारी किए थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको 2030 तक हमने अचीव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो सातवां गोल है, गोल नंबर 7, वो किसके बारे में बात करता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। तो क्वेश्चन याद रखना, फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन जो याद रखना है आपने, कि हमारे पास कितने गोल हैं, 17 गोल हैं, जिनको 2030 तक अचीव करना है। किसने दिए थे गोल, यूनाइटेड नेशन ने दिए थे। और फिर से एक बात और, कि इसमें से जो सातवां गोल है वो किसके बारे में बात करता है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज है रैम प्रोग्राम। अब बजट के दौरान हमारे पास एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया गया, रैम प्रोग्राम, हमारे पास निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। रैम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैम की फुल फॉर्म अगर हम बात करें, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो यहाँ पर रैम प्रोग्राम जो है वो एमएसएमई के लिए आया है। ठीक है, रैम प्रोग्राम जो है वो किसके लिए आया है, वो आया है एमएसएमई के लिए। तो एमएसएमई की जब मैं बात करता हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हाँ जी क्लियर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो पहले तो रैम की फुल फॉर्म आपको बता दूं मैं, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, शायद इसमें हमारे मिस मैं कर गया, तो फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई की जब मैं बात करता हूं, एमएसएमई की जब मैं बात करता हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये देश में हमारे पास, ये देश में इकोनॉमी की बैकबोन का काम करते हैं। भारत का जो 40% एक्सपोर्ट है वो इन्हीं की तरफ से होता है, मतलब कि देश में ज्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है वो किसकी तरफ से होता है, एमएसएमई की तरफ से होता है। अब रैम प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एमएसएमई को 6,000 करोड़ तक का फाइनेंस अवेलेबल कराना। ठीक है, हमारे पास एमएसएमई को प्रॉपर फाइनेंस नहीं मिल पाता, एमएसएमई को प्रॉपरली टाइम टू टाइम पैसा मिल सके, तो उसके लिए एक रैम प्रोग्राम चलाया गया है इस बजट में। तो रैम की फुल फॉर्म याद रखना, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, हाँ जी क्लियर, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं भरपाई करना, और ये 5 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, ये 5 साल का प्रोग्राम है, याद रखिएगा। पेपर पॉइंट से कितने टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर, और इसके बारे में बजट में इस बार बात जो है वो की गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ। देखिए क्वीन एलिजाबेथ की जब मैं बात करता हूँ, तो इनको 70 साल हो गए हैं अपने थ्रोन पे एक तरह से। ठीक है, और 95 ईयर्स की एज हो गई है, तो एक बहुत लंबा जो रिकॉर्ड है इन्होंने यहाँ पर बना दिया है, लगातार अपनी पोजीशन पे बने रहने का। और यहाँ पर जो क्वीन है वो 95 ईयर्स की हो चुकी है, तो अगर ये थोड़ा और टाइम तक, यानी कि अगर ये लाइक
12 जून 2022 तक अपने थ्रोन पे बनी रही तो ये रिकॉर्ड बीट कर देंगी, जो किंग बुमबॉल थे थाईलैंड के उनका रिकॉर्ड भी बीट कर देंगी। ये हमारे पास क्वीन बनी थी 1952 में, आप देख लीजिए कितने लंबे टाइम पीरियड से क्वीन है, 1952 में क्वीन बनी थी और आज भी इस क्वीन की पोजीशन पे ये बनी हुई है। देखो बीइंग अ क्वीन, क्वीन होने के नाते इनको कई सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, ठीक है। ये इंग्लैंड की क्वीन है और साथ ही हमारे पास कॉमनवेल्थ जो ग्रुप होता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस नाम से जो ग्रुप है उसकी भी एक तरह से हेड होती है, ठीक है। मैं आपको ये भी समझा दूं कि हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज नोन टू बी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आपको एग्जाम पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट चीज बतानी चाहिए वो क्या, कि हमारे पास एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ये हमारे पास क्या है, उन कंट्रीज का ग्रुप है जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कभी ना कभी रूल किया है। जैसे इंडिया भी इस ग्रुप का मेंबर है, 54 नेशंस जो है वो इसमें मेंबर है, तो उसके भी हेड कौन होते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के भी हेड कौन होते हैं, क्वीन एलिजाबेथ। हाँ जी क्लियर। अभी इंग्लैंड में रूल करते हुए इन्हें 70 साल हो गए हैं, तो आपको सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्वीन के अभी रूल की कौन सी एनिवर्सरी इंग्लैंड में ऑब्जर्व की गई। तो आपको यहां पर याद रखना है कि ये हमारे पास, हाँ जी ये हमारे पास 70th एनिवर्सरी थी, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो इस बार 2022 में बर्मिंगम में होनी है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में इंडिया में हुई थी, अगर आपको थोड़ा याद हो, बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ था उस टाइम पे सुरेश कलमाड़ी द्वारा। तो बर्मिंगम यूके में इस बार क्यों होनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, ये भी याद रख लेना। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ही उसमें पार्टिसिपेट करते, तो इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में इंडिया एक मेंबर कंट्री है, तो इंडिया भी इन गेम्स में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता है, और हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया इसमें अगली बार जब ये अब जो गेम होंगी तो इसमें अच्छा एक तरह से प्रदर्शन करे और अच्छे लेवल पर मेडल जो है वो इंडिया जीत पाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आंध्रा क्लैप कैंपेन। देखो आंध्र प्रदेश हमारे पास यहां पर एक नई प्रोग्राम के साथ आगे आया है जिसका नाम है क्लैप, और इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्लीन आंध्र प्रदेश, ठीक है, जनगणना स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बस पेपर में आपको देखो डार्क डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर पेपर पॉइंट से आपने याद रखना कि स्टेट में किस स्टेट में क्लैप प्रोग्राम आया है, क्योंकि जब ये स्टेट ओरिएंटेड प्रोग्राम होते हैं तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, आपने बस सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास कौन सी स्टेट ने ये प्रोग्राम जो है वो लागू किया है। तो आंध्र प्रदेश भारत की वो स्टेट जहां पर तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, ये भी आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश भारत की वो स्टेट है जहां पर तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, और ये स्टेट जो है वो काम कर रही है अपनी नई कैपिटल बनाने की, और दैट इज अमरावती, ठीक है। अमरावती आने वाले टाइम में यहाँ की नई कैपिटल होगी, और हरिचंदन यहाँ पर गवर्नर है, बी हरिचंदन, और चीफ मिनिस्टर कौन है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो ये फोटो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये किन की है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, ही इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र की जो कैपिटल जो जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं काफी टाइम से, दैट इज गोइंग टू बी अमरावती, अमरावती गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये बेसिक पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं, नेक्स्ट टू रामसर साइट्स। अब देखो रामसर साइट्स है क्या, पहले तो आपको यहां पर कुछ चीजें याद रखनी होंगी। फरवरी 2 को हम ऑब्जर्व करते हैं एक बहुत ही खास दिन, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड क्या होता है, जो पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो आसपास के एरिया के लिए एक इंपॉर्टेंट काम करता है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, पहले तो आप ये समझिए, रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान में है, रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान में है। रामसर कन्वेंशन क्या बोलती है कि हमें जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है, पहले तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं भारत के अंदर दो और नई रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं, और अब भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, तो 49 टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया। क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, टोटल रामसर साइट्स, तो आपने याद रखा है टोटल 49 रामसर साइट्स हैं भारत के अंदर, और अभी यहां पर दो और रामसर साइट्स को एड ऑन किया गया है। एक तो है भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और दूसरा है खदीजा बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में है। तो अब देखो पेपर में आपसे इन हमारे पास रामसर साइट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, और ये पूछ लेंगे आप आपसे कि बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज में था कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में खदीजा बर्ड सेंचुरी न्यूज में था कहाँ है, गुजरात में। तो आपको यहाँ पर ये बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स है वो याद रखना है। भारत में सबसे लार्जेस्ट रैमसर साइट कौन सी है, सुंदरबन वेटलैंड। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि भारत में लार्जेस्ट सबसे बड़ी रैमसर साइट कौन सी है, याद रखिएगा सुंदरबंस वेटलैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट रैमसर साइट्स है। तो ये कुछ रैमसर साइट को लेकर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। रैमसर कन्वेंशन हुई थी जो कि कहां हुई थी, ईरान में हुई थी, और उसके बेसिस पर रैमसर साइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कवच टेक्नोलॉजी इन रेलवेज। अब देखो इस बजट में रेलवेज को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात की गई है, ध्यान सुनिएगा, कि हमारे पास रेलवे की हेल्प करने के लिए कवच नाम से एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बेसिकली क्या करेगा, कवच टेक्नोलॉजी क्या करेगा, कोलिजन से बचाएगा। कोलिजन का मतलब जो आपस में रेलवे की जो टक्कर हो जाती है उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा। एक एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है, जैसे ही दो ट्रेन सेम ट्रैक पे आएंगी तो ये ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कवच टेक्नोलॉजी किस किस तरह की टेक्नोलॉजी है, एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी, टकराव, एंटी कोलिजन का मतलब जो टकराव से बचाए। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो की गई है इस बजट में रेलवे को लेकर कि 400 वंदे भारत ट्रेन जो है, ठीक है, वो भारत में चलाई जाएंगी। 400 हमारे पास वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जाएंगी, ओके। और हमारे पास वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है वो भी हमारे पास प्रमोट किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन राइट नाउ अगर मैं बात करूं इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन जो है वो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है, और इनको हमारे पास कहाँ बनाया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICF चेन्नई में। याद रखना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारे पास ये वंदे भारत ट्रेन है भारत की फास्टेस्ट ट्रेन है कहाँ बनाया जाता है इनको, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। 400 नई ट्रेन चलाने का प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है। 2000 किलोमीटर का एरिया रन करेंगी और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। वन स्टेशन वन से प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि हर स्टेशन पे एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। हर स्टेशन पे एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा, क्लियर। सो बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो है वो आप याद रखिएगा। और हमारे पास अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम, तो वो कौन है, VK त्रिपाठी, याद रखिएगा। राइट नाउ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, VK त्रिपाठी। और अभी रेलवे काफी न्यूज में था, NTPC का एग्जाम जो है वो हमारे पास क्या हुआ, उसको लेकर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई और उसकी वजह से रेलवे को बहुत ज्यादा किरकिरी का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई रेलवे की NTPC की वजह से, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है PM डिवाइन स्कीम। अब PM डिवाइन स्कीम देख लीजिए, ये भी हमारे पास यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। इस स्कीम में ऑब्जेक्टिव क्या, देखो पहले फुल फॉर्म देख लो, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। 1500 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए वही चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि भाई नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इस लेवल पर फ्राइट ट्रेन का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी खास बात थी, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि हमारे पास फ्राइट ट्रेन जो है वो भी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने लगी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर रोड नेटवर्क को प्रॉपरली डेवलप किया जा रहा है, बॉर्डर एरियाज में भी रोड को डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में डेवलपमेंट करना, और उसके लिए 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। बैम्बो लिंक रोड्स बनाई जाएंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है बच्चों पेपर में कि बैम्बो लिंक रोड कहाँ बनाई जाएंगी, मिजोरम के अंदर, ठीक है। मिजोरम के अंदर बैम्बू लिंक रोड बनाई जाएंगी। और देखो बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, बैम्बू को भारत में ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, और बैम्बू के थ्रू हमारे पास काफी बार बात की जाती है कि कहीं ना कहीं जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जाए, ठीक है। अब यहां पर बैम्बू लिंक रोड बनाने की बात चल रही है, PM डिवाइन सिस्टम के ऊपर बात कर काम करने की बात जो है वो चल रही है। आपको एग्जाम पॉइंट से एक और चीज मैं बता दूं कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बैम्बू स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है, तो याद रखना मिजोरम को कहा जाता है बैम्बू स्टेट ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बोल दो बैम्बू बहुत बड़े लेवल पे असम में पैदा होता है, मतलब उसकी पैदावार असम में है, लेकिन बैम्बू स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है,
तो वो कहा जाता है मिजोरम को। एग्जाम पॉइंट से याद रखेगा, बैम्बू स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिजोरम को हमारे पास बैम्बू स्टेट कहा जाता है। और बैम्बू इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन गोल्ड, और ये हमारे पास ट्री की कैटेगरी में नहीं आता। इसको ट्री की कैटेगरी से रिमूव किया गया था ताकि लोगों को इसको ट्रांसपोर्ट करना, इधर उधर इसको यूटिलाइज करना वो आसान रहे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास एक्सिम बैंक एंड श्रीलंका $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट। अब देखो बच्चों, एक्सिम बैंक की बात करूं, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम होता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। अब श्रीलंका की जो हालत खराब हो रखी है, आपको पता होगा श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास एक तरह से चल रहे हैं, और श्रीलंका उनको कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पा रहा। कोविड ने कमर जो है श्रीलंका की और तोड़ दी है, क्योंकि काफी हद तक जो इनकी इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो हमारे पास टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, और टूरिज्म जो है वो इस बार हो ही नहीं पाया। तो इस सिचुएशन में इनकी हेल्प करने के लिए आगे आया है एक्सिम बैंक, जिसके करंट चेयरमैन है हर्षा बांगरी। एक्सिम बैंक के करंट चेयरमैन कौन है याद रखिएगा? तो एक्सिम बैंक ने यहां श्रीलंका को 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब कि ठीक है, आप हमसे सामान खरीद लीजिए क्रेडिट पे, बाद में पैसे दे दीजिएगा। तो ये जो फ्यूल शॉर्टेज है उससे कहीं ना कहीं श्रीलंका निपट सके, उसके लिए जो पैसा है एलोकेट कराया गया है एक्सिम बैंक के द्वारा। देखिए श्रीलंका की जब भी हम बात करते हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री है, और श्रीलंका इस समय बहुत बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। चाइना ने उसको कहीं ना कहीं अपने डेट ट्रैप में जो है वो फंसा लिया है। चाइना के डेट ट्रैप से उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। कैपिटल इसकी दो है हमारे पास, कोलंबो और जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, जयवर्धनपुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो कैपिटल्स याद रखिएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? भाई श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम याद रख लेना, गोतबाया राजपक्षे। ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट है, और फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जो श्रीलंकन लोग हैं वो काफी हद तक इनको और इनकी पॉलिसीज को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ओके, मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो ओलंपिक का जो बीजिंग में 2022 के ओलंपिक चल रहे हैं, जहां पर आर्टिफिशियल आइस के थ्रू ये पूरा इवेंट चल रहा है, आर्टिफिशियल जी कृत्रिम बर्फ, अब इंडिया ने इसका बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। देखो हमारे पास, आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। अगर आपको पता हो कि गलवान घाटी में हमारे जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को बता दिया था कि इंडिया को आप हल्के में मत लीजिए। गलवान वैली क्लैश हुआ था, आपको पता होगा, जहां पर चाइना ने बोला था कि पहले तो बोल दिया कि हमारा कोई सोल्जर नहीं मरा, बाद में बोलते 4 सोल्जर मारे गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आई, कम से कम 44 से ज्यादा सोल्जर मारे गए थे इनके। इंडिया ने तो एक्नोलेज किया था अपने सोल्जर्स को, और कर्नल संतोष बाबू और उनके जो टीम मेंबर्स थे उनको बहुत ही इज्जत के साथ हमारे पास उनके एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये हमारे सोल्जर जो है वो शहीद हो गए हैं। लेकिन इनके जो सोल्जर्स मारे गए उनके बारे में तो उन्होंने एक्नोलेज भी नहीं किया। तो यहाँ पर जो इनके जो हमारे पास चीफ थे, देखिए आपको बता दूं कि चाइना ने क्या किया है, क्वी फाबियो जो इनके हमारे पास एक तरह से गलवान वैली के टाइम पर जो इनके आर्मी के हेड थे, तो उनको यहाँ पर टॉर्च बीरर बनाया। टॉर्च बीरर कौन होते हैं? देखो इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए हम कुछ लोगों को टॉर्च बीरर बनाते हैं, जैसे जैकी चैन को टॉर्च बीरर बनाया गया था, तो इनको भी जानबूझकर टॉर्च बीरर बनाया गया। इनकी जो फोटो सामने आई है उसमें दिखाया गया था कि इनका सर जो है वो फटा हुआ था, इंडियन आर्मी ने इतना मारा था इनका सर फाड़ दिया था। ठीक है, किस्मत अच्छी थी बच गए। ठीक है, तो ऐसी हरकतें करने के लिए चाइना जाना जाता है, छुप छुप कर पीठ पे वार करने के लिए जाना जाना जाता है। अब ये जानबूझकर इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पास, और इंडिया को एक तरह से दिखाने के लिए कि भाई हम अपने सोल्जर्स को बहुत इज्जत करते हैं, ये करते हैं, यहाँ पर टॉर्च बीरर बना दिया। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है हम भी विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट करेंगे। तो इंडिया ने फैसला कर लिया है कि इंडिया जो है यहाँ पर बाकी कंट्रीज की तरह डिप्लोमेटिक बायकॉट करेगा। देखो होना तो ये चाहिए था कि मैक्सिमम कंट्रीज को यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। यूएस ने भी डिप्लोमेटिक बायकॉट की बात की थी, ठीक है, जो हमारे पास एक तरह से आप कह सकते हो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज के लीडर्स को यहाँ पर हेड बनाकर ओलंपिक्स में इनवाइट किया गया। ठीक है, तो ये अपने आप में हमारे पास आप कह सकते हैं कि यूएसए की डिफीट थी। आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे पास इंडिया की तरफ से इकलौते एथलीट
जो टोक्यो जो सॉरी बीजिंग ओलंपिक्स में गए हैं आरिफ खान, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया इन ओलंपिक्स में? आरिफ खान ने रिप्रेजेंट किया है, इकलौते एथलीट जो इंडिया की तरफ से हमारे पास विंटर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं वो है आरिफ खान फ्रॉम द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्लाइट टेस्ट ऑफ मरीन वर्जन ऑफ रफेल। अब देखो रफेल फाइटर प्लेन आपको पता होगा भारत ने कुल 36 रफेल फाइटर प्लेन खरीदे हैं, ठीक है 36 रफेल खरीदे हैं। कहां से? फ्रांस से, और फ्रांस की कंपनी का नाम जिससे खरीदे गए हैं डसो एविएशन। आपने सब सुना ही होगा, ठीक है। और इनको दो जगह रखने की बात की गई थी कि अंबाला और हाशीमारा, दो एयरबेस पे इनको रोका जाएगा। अंबाला कहां? हरियाणा में, और दूसरा है हाशीमारा। हाशीमारा कहां है? वेस्ट बंगाल में। तो बट लेकिन अब यहां पर क्या किया गया, जो आईएनएस विक्रांत है जो इंडिया का अभी इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर वर्किंग है, जो कि हमने रशिया से परचेज किया था, ये रशिया से हमने परचेज किया था आईएनएस विक्रांत, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या किया गया है, इसको लैंड करा के टेस्ट किया गया है कि क्या जो रफेल है वो जरूरत पड़ने पर नेवी के भी हेल्प कर सकता है। तो आंसर है यस, जरूरत पड़ने पर ये नेवी की भी हेल्प कर सकता है। तो रफेल की टेस्टिंग की गई, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी टेस्टिंग कहां से की गई है, सो आईएनएस विक्रांत से। आईएनएस विक्रांत क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। और यहां पर आपको बता दूं कि इसमें कैटापुल्ट लॉन्च होता है। कैटापुल्ट लॉन्च क्या होता है? एक छोटे से एरिया से लॉन्च कराया जाता है और उसी पे लैंड कराया जाता है। लॉन्चिंग एक स्पेशल टाइप से लॉन्चिंग होती है, तो कैटापुल्ट एक हमारे पास लॉन्चिंग जो होती है वो हमारे पास नेवल सिस्टम में यूज की जाती है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है वो और जो वर्ल्ड की बाकी नेवीज है वो इसका कहीं ना कहीं यूज करती है। तो इंडियन नेवी की जब मैं बात करता हूं तो अपने आप में एक बड़ी नेवी है, और इंडियन नेवी डे हमारे पास 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम पॉइंट से आप एक और चीज याद रखिएगा कि हमारे पास इंडियन नेवी के करंट कमांड हमारे पास हेड कौन है, अगर हम बात करें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, तो हमारे पास मनोज यहाँ पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, एडमिरल हरि कुमार, ठीक है। एडमिरल हरि कुमार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल हरि कुमार। ओके सो इनका नाम याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हु इज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? एडमिरल हरि कुमार। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा सॉरी। देखो यहां पर क्या हुआ है कि सुपर कंप्यूटर बनाने का भारत में काम कौन करता है? पहले तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो जापानी सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने का काम कौन करता है? सीडेक, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ये भारत में सुपर कंप्यूटर बनाता है, और भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, ठीक है। अब यहां पर परम का एक और वेरिएंट प्रवेगा, इसको आईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में हमारे पास स्थापित किया गया है, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए इस जो सुपर कंप्यूटर है वो इंस्टॉल हमारे पास किया गया है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास दो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। हाँ जी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारे पास कि ये सुपर कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया, दैट इज इन आईएससी बेंगलुरु, और दूसरा हमारे पास, हाँ जी दूसरा हमारे पास कि इसको बनाया किसने, तो दैट इज बाय सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक की बात करें तो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर, और इसके इसके जो हेड होते हैं, पहले तो आपको ये बता दूं कि ये इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर हमारे पास ये आती है, ठीक है। तो इसको लीड कौन करते हैं? मिनिस्ट्री जो है वही कहीं ना कहीं इसको लीड करने की कोशिश करती है। सीडेक का हेडक्वार्टर याद रख लेना, सीडेक का हेडक्वार्टर भारत में कहाँ है? हेडक्वार्टर इन पुणे। ओके नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हमारे पास स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की जो है इनॉग्रेशन की है। हाँ जी क्लियर। तो अगर हम बात करें ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो हमारे पास एक जो 11th सेंचुरी के भक्ति सेठ थे श्री रामानुजाचार्य, उनका एक स्टैचू है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी विल विजिट हैदराबाद, ठीक है, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च
ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यहाँ पर वो रिसर्च के रिगार्डिंग भी गए थे, और साथ ही उन्होंने क्या किया था, हमारे पास जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से इनोग्रेट किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी एक देखो, जैसे हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, तो उसी तरह से स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है आज की डेट में इक्वालिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो आपको यहाँ पर एक तो पहले तो ये याद रखना है कि स्टैच्यू कहाँ पर है, हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में है ये, और 216 फीट का स्टैचू है। ठीक है, 216 फीट का स्टैचू है, स्टैचू आपके सामने रहा, हैदराबाद में स्टैचू है, और हमारे पास रामानुज का ये स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास स्टैचू ऑफ एक यूनिटी की बात करें तो आपको पता होगा वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू भी भारत में ही है, जो कि कौन स्टेट में, गुजरात में। ये स्टैचू कौन से स्टेट में, इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ओके स्टूडेंट, लास्ट न्यूज फॉर द डे, कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखो यहां पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, जो भारत की एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट वर्क पैरेलल विद द DRDO, DRDO के साथ मिलकर काम करती है, उसने हमारे पास, देखिए उसने हमारे पास क्या किया है, उसने हमारे पास मैन्युफैक्चर और सप्लाई के लिए काम करना शुरू कर दिया फॉर द कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो हमारे पास अब यहाँ पर अवेलेबल होगी। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की जब मैं बात करता हूँ तो ये इसका हेडक्वार्टर भी आपको हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ मिश्रा इसके करंट चेयरमैन एंड MD है, याद रखिएगा। BDL की जब मैं बात करता हूँ, इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में है, और सिद्धार्थ मिश्रा इसके करंट चेयरमैन एंड MD है। अब यहां पर इन्होंने कौन सी मिसाइल हमारे पास ऑपरेट करने के लिए दी है इंडियन आर्मी को, दैट इज कॉनकर एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये बनाने में इंडिया की हेल्प किसने की है, रशियन एंटिटी ने, दैट इज रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM। तो ये मिसाइल जो है काफी हद तक एक्सपोर्ट के लिए भी अवेलेबल होगी आने वाले पीरियड में। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉनकर्स एम, अभी न्यूज में था ये क्या है, सो बेसिकली इट्स अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हाँ जी क्लियर, ये क्या है, बेसिकली इट्स अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो आई गेस ये न्यूज आपको क्लियर होगी होगी। चलिए जी, सो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही, आशा करता हूँ कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।